हेलो हेलो वेरी बिजी यस डूइंग एवरीथिंग छोड़ना नहीं सब करना इवो सिंह बहुत बिजी है और इवो ने जो है वो सारी रंगोली बना दी है जो भी हमने यहाँ पे सेट करी थी ना वो उसने परफेक्टली सेट कर दी है दोबारा से Hi everyone, Namaskar, Salaam, Satri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और फेस्टिवल व्लॉग के साथ एंड आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मे गॉड ब्लेस यू ऑल आज वेदर काफ़ी अच्छा था बारिश नहीं थी तो हमने सोचा कि आज पूरे घर की डेकोरेशन का जो काम है वो ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि जब ब्राइटनेस बाहर होती है ना तो एंथू ही अलग आती है एक एनर्जी लेवल ही डिफरेंट होता है तो इसीलिए सारे घर की डेकोरेशन में हम लग गए फिलहाल मैं आई हूँ बेडरूम में और बेडशीट डोए कवर्स ये सब कुछ मुझे यहाँ पे चेंज करने हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ग्रे सेट है मेरे पास पुराना ही है तो वो मैं यहाँ पे आज ऐड करने वाली हूँ एंड थैंक यू सो मच कल की वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आपको अद्वी का रूम भी बहुत अच्छा लगा और एक दो कॉमेंट ही ऐसे थे कि अद्वी का रूम जो है वो थोड़ा सा क्राउडेड लग रहा है बट यू नो मुझे नहीं लगा कि वो क्राउडेड है क्योंकि फर्नीचर की बात करें तो बस सोने के लिए बेड है पढ़ने के स्टडी टेबल और चेयर है कपड़े रखने के लिए वार्डरोब है इसके अलावा और कोई भी फर्नीचर नहीं है रही बात सॉफ्ट टॉयज और कुछ आर्ट पीसेस की तो बच्चे का कमरा है ऑब्वियसली ये चीज़ें तो होंगी ही और फिर बच्चे बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है मे भी आपके यहाँ पर बच्चे जो हैं वो रूम को बिल्कुल खाली रखना पसंद करते हों बट मेरे हिसाब से उस कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं वो अद्वी की पसंद के हिसाब से हैं और फिर एक और बात है ना हर घर जो है उस घर में रहने वालों की पसंद के हिसाब से होता है मैं यहाँ पे अपनी लाइफ अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ हो सकता है उसमें से आपको कुछ पसंद आए और बहुत हो सकता है कि आपको ना पसंद आए तो बस आपको जो अच्छा लगे वो आप ग्रैब कर लें जो ना अच्छा लगे उसे बिल्कुल आप इग्नोर कर दें क्योंकि मेरा घर मेरे हिसाब से है एंड ऑब्वियसली आपका घर आपके हिसाब से है तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने सब चेंज कर दी है और एक बहुत ही अच्छा फ्रेश सा लुक आ जाता है और अगर कॉट में आपको दिखाई दे तो अपनी फ़िलहाल वहाँ पर सोई हुई है मैं अंदर घर की डेकोरेशन में लगी हुई हूँ और साहब जो हैं वो बाहर लगे हुए हैं वेदर का फ़ायदा उठाते हुए बाहर की जितनी भी लाइटिंग है वो सारी की सारी आज हम यहाँ पे डन कर देंगे तो एक तरफ से शुरुआत करी थी तो इधर की तरफ फेंस पे लग चुकी है और पूरा ही राउंड यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं फाइनल जो लुक आया है दैट इज़ सो गुड आई होप आपको भी अच्छा लगेगा तो ये स्टेयर रूम में भी यहाँ पे इस तरह से ये एक रेलिंग लगी हुई है तो मैंने सोचा इसको ही क्यों खाली छोड़ूं कुछ फूलों की माला मेरे पास थी तो मैंने वो भी यहाँ पे अटैच करके इसको भी अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है कुछ लाइट्स हमने नई ऑर्डर करी थी और कुछ हमारे पास पहले से ही थी तो जितनी भी लाइट्स थी उन सब का हमने अच्छे से यूज़ किया है तो यहाँ पे अच्छे से ये फूलों की माला लगाने के बाद एक स्ट्रिंग लाइट और थी मेरे पास और ये चेरी वाली लाइट है बिल्कुल इसके ऊपर राउंड राउंड बल्ब्स लगे हुए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और ये शायद मैंने टेस्को से ली थी क्रिसमस के टाइम पर जब क्रिसमस हो जाता है रिडक्शंस लगते हैं और आई वॉज़ वर्किंग इन टेस्को दैट टाइम तो पहले ही पता लग जाता था रिडक्शंस का तो ध्यान रखते थे कि क्या चीज़ काउंटर पे आने वाली है तो फिर आराम से जाके ले लेते थे तो यस ये लाइट ली थी और मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई थी तो इसको जो ये कर्टेन है इसके ऊपर मैंने हल्का सा हैंग कर दिया है और जैसे ही बस ये फूलों की माला लगती है ना कहीं पे भी वो अलग ही वाइब आती है और ये लाइट जो है ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी रात का जो लुक है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी फिलहाल तो बाहर से पर्दे में रोशनी आ रही है तो इतना पता नहीं लगा और ये देखिए साहब जो हैं वो इतना काम कर चुके हैं लाइट्स जो हैं वो लग गई हैं और बीच में आके मैंने उनको रोक दिया क्योंकि ऊपर मैं और ज़्यादा ठोका पीटी कर नहीं सकती थी अब नहीं सो रही थी तो इसीलिए बस यहाँ पे अब हम तोरण का काम कर रहे हैं तो साहब ने यहाँ पे नेल्स लगा दिए हैं और इसके बाद तोरण को हमने हैंग कर दिया है और ये तोरण लास्ट ईयर मुझे आकांक्षा ने दिवाली पर गिफ्ट किया था घर से पार्सल आया था आकांक्षा के तो वहाँ से आंटी ने सबके लिए भेजा था और ये मेरे पास आम के पत्ते और गेंदे के फूल वाली आर्टिफिशियल एक
एक और तोरण टाइप ही है। ये लास्ट ईयर गृह प्रवेश के लिए घर से आया था, बट क्योंकि सेकेंड वेव चल गई थी कोविड की, तो कुछ भी ग्रैंड गृह प्रवेश हो नहीं पाया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना लगा दिया जाए, क्योंकि पहली दिवाली है इस घर की, तो इस घर को अच्छे से ही सजाते हैं। तो जो गार्डन रूम था उसके सामने भी हमने उसको लगा दिया है, और एक जो ये किचन वाला एंट्रेंस है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो घर के जितने भी लाइक एंट्री गेट्स हैं सभी के ऊपर इस तरह से ये तोरण लग गया है। और अब दोपहर बाद यहाँ पे मौसम जो है वो हल्का हल्का सा क्लाउडी होना शुरू हो गया था। और ये देखिए साहब क्या निकाल के लाए हैं, ये है एलईडी ट्री, ये आउटडोर और इंडोर यूज़ का है। इसको मैंने पीछे गार्डन रूम में डेकोरेट किया हुआ था, बट साहब इसको बाहर निकाल लाए कि अंदर तो ये जलेगा नहीं, इसको बाहर ही रखते हैं और ही अच्छा ग्लो आ जाएगा। और यहाँ पे ईवी को देखिए, हमेशा आप इसको हंसता हुआ देखते हैं और आज आप इसको रोता हुआ देखिए। एक्चुअली सुबह से शाम ही हो गई, उसको पापा नहीं मिल रहे थे, पापा जो वो बाहर काम में लगे हुए थे, तो अब देख के पापा को बस वो बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ले लो गोद में। तो फिर विकास ने काम छोड़ के उसको थोड़ी देर जो है वो गोद में लिया, तब वो थोड़ी सी काम डाउन हुई, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील आया उसके अंदर। तो बच्चे जो है ना वो सबसे इतना बिल्कुल प्योर लव करते हैं ना, क्या बताएं। तो चलिए बाहर का जो काम है लाइट्स का वो सारा हो गया है, वो व्यू मैं आपको दूंगी ही। और यहाँ पे जो है अब हम लिविंग रूम अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। ये दिए वाली लाइट है जो घर से आई है, और ये इस तरह से कर्टेन के ऊपर हमने लगा दी है, और जो कर्टेन की प्लीट्स है ना वायर उसके ऊपर रखा है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल रहती है, ऊँची नीची नहीं होती, और आपको बीच से इसको कहीं बांधने की भी ज़रूरत नहीं होती, और वायर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो लाइट जो है वो साहब ने लगा दी है, और इसके बाद फेवरेट पार्ट हर चीज को डेकोरेट करने के बाद डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल को मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ, तो ये वाइपेबल क्लॉथ है इसके ऊपर, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, दिन में दो तीन बार ये क्लीन होता ही है, और इसको मैं एज इट इज ही रहने दूंगी। इसी के ऊपर जो मेरा क्लॉथ वाला ये लाइक क्लॉथ वाला टेबल क्लॉथ यस ये मैं डालने वाली हूँ, और ये मैं B&M से लेकर आई थी। और अपनी जो है ना वो इस तरह से टेबल क्लॉथ आजकल बहुत खींचती है, और ये थोड़ा सा स्लिपरी भी है, तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं वो खींच के और ऊपर से चीजें ही ना गिरा दे। तो मेरी टेबल में ना एक थोड़ा सा स्पेस है, तो इसके अंदर मैं टेबल क्लॉथ को डाल दूंगी, तो इससे ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, और अवनी अगर खींचना भी चाहेगी तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा और ये अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टेबल रनर। पहले मैंने सोचा था कि मेरे पास ना दुपट्टे रखे हुए बनारसी दुपट्टे, लेकिन कोई भी कलर जा नहीं रहा था, अगर येलो होता तो वो रूम के साथ जाता, बट रेड और ग्रीन वो नहीं जा रहे थे, तो फिर मैंने ब्लैक वाला ही, तो वो रूम के साथ जा रहा है। और बस ये किए पानी का मैंने बोल भर के रख दिया है, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने सजेस्ट किया कि दीपिका इसमें बैटरी वगैरह कुछ नहीं डलनी है, और आप इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने आप ही लाइट अप हो जाएगी। तो एक जो है वो नहीं जली थी, तो उसको निकाल के फिर मैंने दूसरी इसके अंदर डाल दी थी, और उसके बाद रात को बैठ के मैं और विकास डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह का सेंसर है, बट एक्चुअली इनमें सेंसर नहीं होता है, इसके नीचे आप देखेंगे ना दो पिन्स होते हैं, तो वो वाटर के अंदर सॉल्ट होता है, तो वो सर्किट पूरा करते हैं, तो थोड़ी सी साइंस आ गई, तो वो सर्किट पूरा होते ही वो बैटरी बन जाती है और ये लाइट अप हो जाती है। और अगर आप इसको डिस्टिल वाटर में डालेंगे ना तो ये लाइट अप नहीं होंगी, तो नॉर्मल जो वाटर होता है। तो खैर मैंने उसको एक ट्रे के ऊपर रख दिया था, और थोड़े से गेंदे के फूल की जो मेरे पास एक गर्लैंड थी वो लगा दी है, और जो बाकी मेरे पास बची हुई थी, तो जितने भी दरवाजे हैं नीचे के उन पे भी मैं साइड में इनको हैंग कर दूंगी, तो बहुत ही ग्रेसफुल सा एक लुक आ जाएगा। तो हैंगिंग का जितना काम था वो सारा हो गया है। इसके बाद ये जो फायरप्लेस एरिया है हमारा, एक्चुअली यहाँ पे ये बस एरिया ही है, फायरप्लेस यहाँ पे है नहीं, और हमारा भी प्लान भी नहीं, क्योंकि हीटिंग अच्छी खासी है घर में, तो यहाँ पे विकास लाइट लगा रहे थे, क्योंकि कई बार ना वो थोड़ा सा डार्क सा फील होता है, और ये देखिए दिए वाली लाइट जो है वो भी लाइट अप कर दी है। इसके बाद बारी आती है मंदिर को अच्छे से क्लीन करने की, तो मंदिर में कुछ मैंने पहले से माला वगैरह लगाई हुई थी, तो उनको उतार रही हूँ ताकि थोड़ा सा और फ्रेश लुक, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाए।
तो इनको मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो भी कपड़ा वगैरह मैंने बिछाया हुआ था मंदिर में, वो सारा कपड़ा निकाला है। भगवान जी जो है उनको भी अच्छे से क्लीन करा है, और उसके बाद जो है मैंने पूरा मंदिर दोबारा से सेटअप किया है, और दिवाली के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। और यहाँ पे ये मैंने गोल्डन कलर का जो कपड़ा है, आपको याद हो कि पुराना जो मंदिर था हमारा पुराने वाले घर में, उसमें मैंने इसका बैक स्प्लैश काइंड ऑफ बनाया हुआ था। तो यहाँ पे माला मैंने पीछे वाली हटा दी है, तो थोड़ा सा बड़ा सा लुक आ रहा है। और भगवान जी के जो प्लेसेस हैं वो भी इस बार मैंने थोड़े से चेंज करे हैं, तो डिफरेंट सा लग रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए अब आपको नीचे का थोड़ा सा टूर दे देते हैं कि फाइनली कैसा लग रहा है। तो जीना तो आपने देख ही लिया था, और यहाँ पे हैं ये कान्हा जी, ये स्टिकर है, और जब मैंने लिए थे तब आपके साथ शेयर भी किया था। एक तोरण ये भी पहले से ही था मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे एंट्रेंस पे हैंग कर दिया है। और इधर की तरफ ये मोर पंखी वाला की होल्डर है, इसके ऊपर बाद में मैंने एक हैंगिंग ऐड करी थी, और वो आपको मैं चलो दिवाली पे दिखा दूंगी। इसके बाद बस हमारी यहाँ पे लिविंग रूम में हो जाती है एंट्री, और यहाँ पे एक साइड टेबल मैंने रखी हुई है जिसमें नीचे फाउंटेन है और इसके ऊपर एक ये लैम्प है। ये जो लैम्प है ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी फ्रेंड लुबना लेकर आई थी बेबी शावर के टाइम पे। और यहाँ पे हमारा ये काउच है, 5 सीटर है, ये एल शेप्ड, अमेजोन से लिया था, फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग लिंक मांगते हैं। इसके बाद यहाँ से देखें तो कुछ इस तरह से रूम या फिर एंट्रेंस दिखाई देती है। तो जो लाइट है, कैंडल, जो लैंटर्न टंगी हुई है उनमें लाइट्स जो है वो मैं दिवाली वाले दिन ही लगाऊंगी। और इधर की तरफ ये फ्लोर लैम्प यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये आइकिया से लिया था, और क्रॉकरी कैबिनेट है। क्रॉकरी कैबिनेट के अंदर भी हमने ये लाइट्स लगाई हैं, ये भी पुराने वाले घर में हमने काउंटर टॉप पे लगाई हुई थी, तो वो हमने सारी की सारी इधर लगा दी हैं। और ये USB पावर्ड है, काइंड ऑफ लाइक नॉट चार्जेबल है, इनको आप चार्ज करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग एरिया का सेटअप है वो लग रहा है, और बहुत ही कोजी सी और बहुत ही नाइस सी वॉर्म सी फीलिंग आती है। एक तो वेदर चेंज होने लगता है, ऊपर से जो ये फेस्टिव वाइब्स होती है ना, दैट इज़ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और इधर जो है ये डाइनिंग एरिया हो गया हमारा, और थोड़ी सी सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश करी थी, तो जो ये स्टोर रूम है सामने आपको दिखाई दे रहा है, तो स्टोर रूम और जो मेन लाइक जो लिविंग रूम का जो दरवाजा है उन दोनों पे मैंने इस तरह से गर्लैंड डाल दी थी, तो वो सिमेट्री क्रिएट हुई है। और इस तरह से जो डाइनिंग एरिया है वो लग रहा है, और डाइनिंग टेबल के ऊपर फिलहाल मैंने ये एक ही उड़ली रखी है, मेरे पास ब्रास की नहीं है ना, नॉट श्योर कि दिवाली तक मेरा पार्सल आ पाएगा या नहीं, तो ये कांच वाले ही मैं यूज़ करती हूँ। और दो जो है वो फ्रेश फ्लावर्स की मैं दिवाली वाले दिन बनाने वाली हूँ, तो वो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर ही आएंगी। इसके बाद ये है मेरी ब्लेसिंग वॉल, जहाँ पे मेरा YouTube प्ले बटन, मेरे बच्चों के जो है वो हैंड प्रिंट्स, फुट प्रिंट्स हैं। और इसके बाद इधर की तरफ आते हैं मंदिर की तरफ, और यहाँ पे मंदिर जो है इसके ऊपर जो है वो शुभ लाभ हमने हैंग कर दिया है। ये शुभ लाभ जो है ये मोनिका दी मेरे लिए लेकर आई थी, तब अभी वो आई थी UK। और यहाँ पर भी मैंने मंदिर के दोनों तरफ भी इसी तरह की गर्लैंड लगा दी है, और एक ये छोटी सी यहाँ पे काइंड ऑफ टेबल अरेंजमेंट किया है अदवी ने, और ये जो आर्टिफिशियल रंगोली होती है वो चारों तरफ लगा दी है। और ये पेंटिंग ये तो आपने देखी है, ये भी मैंने आइकिया से ही ली थी, और साथ साथ डिटेल्स इसलिए देती जा रही हूँ क्योंकि फिर लोग बहुत पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, लिंक दे दीजिए। और सामने जो TV है इसके ऊपर मैंने ये लाइव वॉलपेपर चला दिया है, तो बहुत ही अच्छी इसकी फीलिंग आती है। और यहाँ पे जो लाइट है वो भी लग गई है, तो कुछ इस तरह से ये पूरी की पूरी वॉल दिखाई देती है, और बहुत ही ब्यूटीफुल। और जो ये लाइव वॉलपेपर होता है ना, इससे तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, आप डिफरेंट डिफरेंट थीम जो है ना वो चला सकते हैं। और चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। तो किचन में कुछ बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी है, बस जो भी मेरे पास गर्लैंड वगैरह थी वो लगा दी है। तो ये यूटिलिटी एरिया और पाउडर रूम का एंट्रेंस है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है, बाकी जो डेकोर है वो पहला ही है। एक बस ये तोरण मैंने यहाँ पे ऐड करा है, और ये तोरण भी मोनिका दी लेकर आई थी हमारे लिए, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। दूसरी तरफ नहीं लगा सकती थी क्योंकि उधर की तरफ को दरवाजा खुलता है, तो इधर की तरफ ही ये परफेक्ट है। और बस किचन के ऊपर वाली लाइट तो आपने देखी है, जो कैबिनेट के ऊपर है, जब हमने मेकओवर करा था तब आपके साथ शेयर ही करी थी। दैट्स इट, किचन जो है वो बिल्कुल ऐसी ही है, कुछ और इसके अंदर चेंज नहीं किया है। और अब जो बड़ी लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ करके, जो सिर्फ
छोटी लाइट है उनके साथ आपको इस रूम का एक व्यू देती हूँ, और जब दिवाली के दिन थोड़े से और दिए ऐड हो जाएंगे, कैंडल्स ऐड हो जाएंगी, तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये सारा सेटअप, प्लीज़ मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये लाइट्स तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि बस मैं क्या बताऊं। तीन और मेरे पास बची हुई हैं, बट एक उसमें से काम नहीं कर रही है, बट आई विल सी कि मैं और किस तरह से दिवाली वाले दिन यूज करूं। सो जस्ट लुक एट दिस प्लेस, वॉर्म लाइट के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और किचन का भी थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे ही देती हूँ, बड़ी लाइट ऑफ करके। जो ऊपर वाली लाइट है ये LED स्ट्रिप हमने यहाँ पे लगाई हुई है, तो इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि किचन का जो है वो रेड पॉप ऑफ कलर है। तो फिलहाल मैंने रेड लगाई हुई थी, बट वो कैमरा में इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। और लिविंग और डाइनिंग रूम हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है। और अभी बहुत ही छोटी छोटी सी मैंने कुछ ये क्लिप्स ली हैं जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। हालांकि वीडियो लंबी जा रही थी, बट आई थॉट कि नहीं इंक्लूड कर ही देती हूँ, जब दिवाली डेकोर है तो जितना मन में आ रहा है, जितना देख के खुशी हो रही है, उतना मैं ऐड कर ही दूँ। तो बहुत कोशिश करी है इस घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाने की। पहली दिवाली है और जो है ना, मन में बहुत सारे इच्छाएं, बहुत ज़्यादा, मैं शायद शब्दों में नहीं बोल सकती कि क्या इमोशंस हैं एट द मोमेंट, कि किस तरह से ये घर हमने बनाया है। और इट्स सो मच गोइंग ऑन इनसाइड, बट वही है कि हर चीज़ बता नहीं सकती हूँ, बट वॉट एवर, एट दी एंड वी मेड इट, ये घर हमारा है। और सब कुछ हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया, सब कुछ कर दिया जितना हो सका हमसे। और अब ये क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली धनतेरस वाले दिन की है। उस दिन काफ़ी लेट हो गया था तो मैं बाहर का भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, और धनतेरस के दिन मैंने कुछ बहुत ज़्यादा व्लॉग भी नहीं किया था। किचन की एक लाइट ख़राब हो रही थी, तो फिलहाल वही लाइट आई थी और अभी उसको अनबॉक्स कर रही थी। और ईवी ने देखे यहाँ पर रंगोली का क्या हाल करा है, जो अदवी ने सजाई हुई थी, तो ईवी ने उसको और भी अच्छे से डेकोरेट यहाँ पर कर दिया है। और धनतेरस के दिन मैंने लिए हैं ये मेजरिंग कप। एक्चुअली अगर मैं जाती बाहर तो शायद मैं कुछ और भी ले आती, बट ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि कुछ ऐसा लेकर आने, क्योंकि सभी कुछ है घर पे। बट क्योंकि मेटल खरीदा जाता है, लोग अपने हिसाब से सोना चांदी जो चाहे वो खरीदते हैं, तो मैंने साहब से कहा था कि कुछ ना मिले, कुछ ना समझ में आए तो बस स्पून ही आप ले आना। तो उनको शायद ध्यान था कि मैं एक बार बोल रही थी कि मुझे स्टील के मेजरिंग कप चाहिए, तो वो मेजरिंग कप ले आए। तो यहाँ पे बस दिया बाती हो गई थी, हमारी धनतेरस की पूजा हो गई थी, और साथ ही जो बर्तन है वो भी मैंने रख दिया था। छोटी सी ये क्लिप उस दिन की रिकॉर्ड करी थी, देन आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। और जो ये स्टेयर रूम है, या फिर ईवी का चेंजिंग रूम आप इसको बोल दें, या फिर मेरा ऑफिस रूम इसको बोल दें, तो इसका जो नाइट व्यू है वो भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और धनतेरस का व्लॉग मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यू नो थकान सी हो रही थी, और एक दिन चाहिए था कि बस आराम से बैठूँ, किसी भी कैमरा एंगल इन सारी चीज़ों की परवाह ना करूँ। ब्रंच हमारा जो है वो हुआ था पनीर की जो भुर्जी होती है और मिस्सी रोटी, ब्रंच ही हुआ था क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच वो लेट उठे थे, तो इसीलिए एक साथ ही कर लिया था। और शाम को फिर नान और राजमा हम लोगों ने बनाया था, और मीठे में हलवा बना लिया था। तो इस तरह से हमने धनतेरस पे खाना बहुत ही सिंपल सा बनाया, और अब जो है वो कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब बड़ी लाइट बंद कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ये स्टेयर रूम लग रहा है। और ये लाइट्स जो हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, हालांकि कर्टेन थोड़े बहुत शफल हुए इधर उधर, तो वो लाइट की जो प्लेसमेंट है वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई थी। और
और ये मोरक्कन हैंगिंग्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। और इसके बाद आपको चलिए एटिक रूम भी दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करी नहीं है, बस इसमें एक ये जो स्ट्रिप लाइट है यही एक्स्ट्रा है, और ये भी हमने नहीं लगाई थी, जो लोग पहले इस घर में रहते थे उन्होंने ही लगाई हुई थी। इट इज़ नॉट एक्चुअली अवर स्टाइल, मुझे स्ट्रिप लाइट्स बहुत पसंद हैं, बट वो इस तरह से लगनी चाहिए कि सिर्फ उनका जो ग्लो है वो दिखाई दे, वो लगी हुई दिखाई ना दे, तो वो हिडन होनी चाहिए, सिर्फ जो उनकी लाइट है वो दिखनी चाहिए। बट ये हमने उतारी नहीं, क्योंकि फिर उतारते तो पेंट उतरता, और इस रूम का जो है अभी पेंट करने का ना तो टाइम था, और अभी जो है वो इस रूम को हम छेड़ नहीं रहे थे, क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक है इस रूम का पेंट, तो ये हमने एज इट इज़ ही लगी रहने दी। बस इसको हमने दिवाली पे जो है वो लाइट अप कर दिया है, और ऊपर एक ये सिंगल बेड यहाँ पे लगा हुआ है, और जो विंडो सीट है बस यहाँ पे हल्की सी एक डेकोरेशन है, एक कैंडल होल्डर यहाँ पे रख दिया है, तो उस दिन बैटरी ऑपरेटेड जो कैंडल्स हैं वो इसके अंदर हम लगा देंगे। और जो रूफ़ है वो भी असिमेट्रिक है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ करने का, दीवारों पे कुछ लगाने का था नहीं। और ये देखिए बाहर का व्यू, बाहर जो है वो लाइट लग गई है, तो हमने 1000 लाइट्स की ये वॉर्म LED लाइट ली थी, इनडोर आउटडोर यूज़ की है, तो इसने पूरा घर ही जो है वो अच्छे से कवर कर दिया है। और फ्रंट में जो है हमने ये हैंगिंग वाली जो लाइट्स होती हैं वो लगा दी हैं, LED ट्री जो है वो कॉर्नर में रख दिया है, और लाइट्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रही हैं। तो पूरा का पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी। साइड वाली जो फैंस है यहाँ पे हमने ये मल्टी कलर वाली लगाई है, ये पहले से ही थी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लेकर आ सकते थे, क्योंकि बीच में जो है वो दरवाज़ा है, तो उसके ऊपर से लाइट फिर वो सेफ ना होती, आने जाने में भी दिक्कत होती, तो ये सारी की सारी जो है वो एक ही है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। इसके बाद यहाँ पे मैंने रखी हैं 2 लैंटर्न, और इनके अंदर मैंने कैंडल जो है वो लाइट अप कर दी है, तो एक ही कॉर्नर में रखी हुई है, तो ये तो अच्छे से हो रही थी, लेकिन ये थोड़ी ऊपर साइड में रखी हुई थी और हवा चल रही थी इस टाइम पे, तो ये नहीं जल रही थी। और साथ ही जो हमारे बुद्धा हैं ये भी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाई, ये सोलर पावर्ड है, तो ये भी लाइट अप नहीं हो पा रहे थे। बट एक और सोलर लैंटर्न है मेरे पास, वो मैंने कॉर्नर में रखी हुई है, तो वो हल्की सी चार्ज थी, तो वो तो चल रही थी। और कैसा लग रहा है आपको, यू नो कैमरा जज नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आप मेरी आंखों से रियल में इसको देख पाते ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा था। और यू नो जो एफर्ट्स विकास ने डाली हैं पूरा दिन लग के ये लाइट्स लगाने में, और बोल रहे थे रात को कि दीपिका पैर दर्द कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ही दिन हो गया था खड़े खड़े। और ये फ्रंट फेंसिंग जो है हमारी, वहाँ पे भी हमने इस तरह से ये लाइट लगा दी है। एक नेबर आए हमारे सामने वाली लाइन से 3-4 घर छोड़ के कि इतनी लाइट अप कर रहे हो, कोई इवेंट है क्या? तब हमने उनको बताया कि दिवाली है, तो बोल रहे थे कि आपका घर तो वैसे ही बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड, तो मैं यही सोच रहा था कि और कितना डेकोरेट कर रहे हैं, तो फिर उनको दिवाली बताया कि इट इज़ आर क्रिसमस, जैसे आप लोग क्रिसमस पे लाइट्स लगाते हैं। तो जो लाइट है वो इस तरह से इधर की तरफ भी लगा दी है, तो कोई कोना हमने नहीं छोड़ा इस घर का जहाँ पे हमने इस बार लाइट्स ना लगाई हो, तो इधर वाली फैंस पे भी हमने कंप्लीट कर दी है। तो बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल, आई डोंट नो आज की वीडियो में मैंने कितनी बार ब्यूटीफुल बोला होगा, काउंट करके बताना अगर आप काउंट कर रहे हो तो, क्योंकि खुशी ही अलग है इतना ज़्यादा एफर्ट डाल के, और जैसा हमने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल निखर के आया है पूरा का पूरा घर। और ये एटिक विंडो से अगर हम देखें तो नीचे का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और यस, यही थी बस आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू दिवाली डेकोरेशन, दिवाली लाइटिंग, और इसमें मैंने कुछ भी खाने पीने का रिकॉर्ड नहीं किया। डिफरेंस ही रहेगी, आई डोंट नो कितने लोगों को पसंद आएगी कितनों को नहीं आएगी, बट आई वॉन्टेड टू मेक इट सेपरेट। और यहाँ पे साहब आ गए थे बाहर जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और बोल रहे थे कि ये डायरेक्शन गलत रही पूरा दिन बुद्धा की, अगर ठीक होती तो चार्ज हो ही जाते, बट खैर इट्स ओके। आगे आने वाले 2 दिन फिंगर क्रॉस्ड के ठीक से रहे मौसम, ताकि हम लोग अच्छे से इंजॉय कर पाएँ अपना दिवाली फेस्टिवल। और यस, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और इसी के साथ एंड करती हूँ इस वीडियो का। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।